हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो में हमने लिबर्टी पे चर्चा की थी। आज हम इक्वलिटी और पर्टिकुलरली इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी वर्सेस इक्वलिटी ऑफ आउटकम, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, उस पर देखेंगे कि कैसे इस पे अच्छा आंसर लिखा जा सकता है। मैंने क्या कोशिश ये की है, जैसे हर वीडियो में होती है, कि पहले आपको एनालिसिस जो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उसको बताया जाए, फिर इक्वलिटी और इगैलिटेरियनिज्म जो सिलेबस में है उसकी बेसिक मीनिंग क्या है उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। फिर मैंने थोड़ा इसे चेंज कर दिया है, जो थिंकर्स और इवेंट्स जिन्होंने शेप किया है आइडिया ऑफ इक्वलिटी को, थोड़ी उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि एग्जाम में आप जिसको लिटरेचर रिव्यू बोलते हैं, यदि आप उनके ऑथर्स के नेम और उनके कोट लिखते हैं तो वो अच्छी होती है मार्क्स के लिए, तो वो हम लोग देखेंगे। इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज जो रोनाल्ड डॉडकिन ने दिया है, जो आपके सिलेबस में है और इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम लोग इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और इक्वलिटी ऑफ आउटकम, जिस पे काफ़ी बहस होती है। दो जो फॉर्म, मेजर फॉर्म जो इक्वलिटी के हैं, या जो दो मेजर डायमेंशंस हैं, तो उसकी मीनिंग, प्रॉस एंड कॉन्स और डिफरेंसेस, इस पे हम लोग जो है चर्चा करेंगे। यदि हम लोग पास्ट ईयर्स पेपर देखें तो 2015 में पूछी गई है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी, विच ऑफ द टू, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और इक्वलिटी ऑफ आउटकम, कुड बेटर एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ इनइक्वलिटी। लेट अस सी नेक्स्ट, देन वी विल डिस्कस एनालाइज कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। 2016 का क्वेश्चन है। 2017 में है, क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज एज एडवांस्ड बाय रोनाल्ड डॉकिन। एंड 2018 में क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द डिस्कोर्स ऑन द रिसोर्स इगैलिटेरियनिज्म। यदि आप इस क्वेश्चन को देखें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो ज़्यादा फोकस है वो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ आउटकम पे है, और दो बार क्वेश्चन जो है इक्वलिटी ऑफ रिसोर्स, जो रोनाल्ड डॉकिन की जो सेमिनल थीसिस है, उस पे पूछी गई है। एक बार जो इन्होंने 2018 में थोड़ा अलग क्वेश्चन पूछा है, वॉल्जर का जो कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी है उसके बारे में पूछा है, और रिसोर्स इगैलिटेरियनिज्म इज सेम एज इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज विच इज गिवन बाय रोनाल्ड डॉकिन, जो कि एक लक इगैलिटेरियन माने जाते रहे हैं। तो यदि आप देखें तो एक केवल टॉपिक जो है मैंने इसमें कवर नहीं किया है, वो वॉल्जर का कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी। मुझे टाइम मिला तो छोटी सी नोट में उसको बाद में कवर कर दूंगा। रेस्ट ऑल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आगे आने वाले स्लाइड्स में वो अच्छी तरह से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो लेट्स मूव अहेड। तो आइए देखें कि इक्वलिटी के मायने क्या हैं। इसका फर्स्ट जो मीनिंग है वो है कि इक्वल मोरल वर्थ है। फंडामेंटली ये माना जाता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो ह्यूमन हैं, उन सब का जो मोरल वर्थ है वो समान है। और इक्वलिटी हम मनुष्य में इस कारण से भी है कि सभी हम लोग जो है मनुष्यता के डोर से बंधे हैं, मतलब ह्यूमैनिटी जो है हम सबको बाइंड करती है, इसीलिए हम सब एक हैं। इसको आप कह सकते हैं ये फाउंडेशनल इक्वलिटी है, मतलब इस फाउंडेशनल इथिक्स के बेसिस पे है कि इक्वल मोरल वर्थ है इंडिविजुअल का और ह्यूमैनिटी के डोर से बंधे हुए हैं। लेकिन यदि आप ये देखें कि आउट ऑफ ऑल दिस फोर पॉलिटिकल जो कॉन्सेप्ट है, इक्वलिटी, लिबर्टी, राइट्स एंड जस्टिस, इसमें से इक्वलिटी सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग, पोरस, मतलब कई मीनिंग लेने वाला, और नॉन नेचुरल और नॉन इंट्यूटिव पॉलिटिकल वैल्यू है। नॉन नेचुरल मतलब क्या है कि नेचर में भी आप देखेंगे तो आपको इनइक्वलिटी ही इनइक्वलिटी मिलेगी, नेचुरली इक्वलिटी कहीं नहीं है, चाहे वो सोलर सिस्टम में हो, चाहे लैंड फॉर्म में हो, चाहे ऑर्गेनिज्म के हिरार्की में हो, फूड चेन, फूड वेव, हम लोग सब पढ़ते हैं। इवन ह्यूमन लाइफ में कहीं पे भी जो है मैन में इक्वलिटी नहीं है, नेचुरल या मैन मेड किसी तरह की। इसलिए ये नॉन इंट्यूटिव है, आपके मन में सीधा नहीं आता कि हाँ इक्वलिटी क्यों नहीं होनी चाहिए। जैसे राइट्स के जैसे नहीं है, जस्टिस के जैसे नहीं है। जस्टिस को लोग कहते हैं नेचुरल जस्टिस इज द मोस्ट बेसिक जस्टिस। नेचर में जस्टिस है, नेचर में लिबर्टी है, नेचर में राइट्स है, लेकिन नेचर में इक्वलिटी है ये कहना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये हमारी मोरल वैल्यू से उपजती है, ये थोड़ा डिफरेंट है। इगैलिटेरियनिज्म आगे के स्लाइड में मैंने बताया, यहाँ पे एक लाइन आप समझ लें कि इगैलिटेरियनिज्म का जो कॉर्नर स्टोन है वो इक्वलिटी है, वो पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन जो कि इक्वलिटी के पर आधारित है कि इक्वलिटी अपने आप में ही एंड है, सैक्रोसैंक्ट है, अच्छा है, इसको होना ही चाहिए और कोई भी पॉलिटिकल अरेंजमेंट या पॉलिटिकल पॉलिसी जो है वो इक्वलिटी को प्रमोट करना चाहिए, उसको हम इगैलिटेरियनिज्म कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक आप देखें, मैंने कोशिश की है इसको एक रेस मेटाफोर, जो दौड़ होती है, लाइफ को भी एक दौड़ बोलते हैं, इससे शायद हम थोड़ी और मीनिंग को क्लियर समझ पाएंगे कि इक्वलिटी के जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं उसको भी समझ पाएंगे। जैसे आप ये देखिए कि सभी मान लीजिए कि दौड़ाक जो हैं, दौड़ने वाले, वो एक लाइन में एक जगह से स्टार्ट करते हैं और ऑफ कोर्स वो एक कैटेगरी के हैं, एक एज ग्रुप के हैं, वो तो गिवन है, लेकिन वो एक टाइम में स्टार्ट करते हैं। इसको आप कह सकते हैं इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी या फॉर्मल इक्वलिटी। लेकिन एक दूसरा क्वेश्चन उठता है कि क्या वो एक जगह से तो स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम में स्टार्ट कर रहे हैं दौड़, लेकिन क्या सभी के पास सेम जो है जूते हैं, कपड़े हैं, सेम इक्विपमेंट है, क्या उनको सेम ट्रेनिंग दी गई है? यदि हम इसके तरफ ध्यान देने लगते हैं कि उनको सब कुछ सिमिलर हो, सिमिलर ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स गियर हो, तो हम फिर सब्सटैंटिव इक्वलिटी की तरफ बात करते हैं कि मतलब एक्चुअल में इक्वलिटी कैसे लाई जा सकती है, उस तरफ चले जाते हैं। उससे भी आगे यदि हम देखते हैं कि कोई उसमें से फिजिकली वीक है या चैलेंज्ड है, तो क्या उसको भी हम इनके साथ दौड़ाएंगे? यदि क्या उनको कंपनसेट करेंगे? यदि हम कहें कि नहीं, जो जो नॉर्मल हैं, जो मजबूत हैं जेनेटिकली, वो जो हैं 4 लैप दौड़ेंगे, तो जो कमजोर हैं वो 3 लैप दौड़ेंगे, यदि ऐसा हम कहते हैं तो इसको हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, एफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। तो ये एक अलग डायमेंशन जो है इक्वलिटी का हो जाता है। फाइनली यदि हम ये कहें कि नहीं नहीं नहीं, देखो ये ठीक नहीं है, ये तो अलग बात है, सबने दौड़ा लेकिन सबने अपनी अपनी दौड़ कंप्लीट की, अपने अपने हिसाब से उन्होंने पूरा जोड़ लगाया, तो सबको इक्वल रिवार्ड मिलना चाहिए। ये हम नहीं कहेंगे कि सभी विनर हो गए, लेकिन हाँ सभी अपने आप में विनर हैं, तो उनको जो प्रेस्टीज मिलना चाहिए या जो इज्जत मिलनी चाहिए वो सबको बराबर मिलनी चाहिए। यदि ऐसा हम कहें तो ये इक्वालिटी ऑफ आउटकम है। ये सबसे ज्यादा सब्सटैंटिव और सबसे ज्यादा रेडिकल व्यू है कि इक्वालिटी ऑफ रिजल्ट भी हो, मतलब सभी ने रेस जीत लिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इक्वालिटी के कितने ही ज्यादा डायमेंशन है, जो फॉर्मल इक्वालिटी से शुरू होकर के और इक्वालिटी ऑफ आउटकम आगे हम लोग देखेंगे। तो इसको ही आप ऐसे देखें कि डायमेंशंस ऑफ इक्वलिटी क्या हैं। तो फॉर्मल वर्सेस सब्सटैंटिव, मैंने जैसा बताया, फॉर्मल इक्वलिटी क्या है? लीगल इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ हम कहते हैं। पॉलिटिकल इक्वलिटी, 1 वोट 1 पर्सन, पॉलिटिकल ऑफिस के लिए सभी बराबर है खड़े होने के लिए, डेमोक्रेसी में सारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज इक्वल सिटीजन, ये पॉलिटिकल है। सब्सटैंटिव क्या है? सोशियो इकोनॉमिक, आपका जो है सोशल इक्वलिटी यदि हम लाएँ, क्लास कास्ट बैरियर को खत्म करके, और इकोनॉमिक इक्वलिटी यदि लाए, सबके पास इक्वल रिसोर्सेज, इनकम, वेल्थ या वेलफेयर हो, तो उसको हम सब्सटैंटिव इक्वलिटी कहते हैं, फॉर्मल वर्सेस सब्सटैंटिव। एंड फाइनली इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वलिटी ऑफ आउटकम, जिसके बारे में कि आगे हम लोग और देखेंगे। यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि जो प्रोमिनेंट थिंकर है, वैसे इसमें काफी ज्यादा है जिसको मैंने छोड़ दिया है। सबसे पहले रोनाल्ड डॉर्किन, जिन्होंने कि अपने बुक में द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इक्वालिटी में इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज दिया। आपके क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं इसलिए इम्पॉर्टेंट है। जॉन रॉल्स तो शायद 20वीं सेंचुरी के सबसे इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल थिंकर है, जिन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस एज फेयरनेस लिखा और उसके तहत उन्होंने डेमोक्रेटिक इक्वालिटी का प्रिंसिपल दिया और फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के भी उन्होंने जो है एक सिद्धांत दिया। तो जॉन रॉल्स जो है सेकेंड मेरे चॉइस है। तो रूसो ऑफकोर्स उन्होंने काफी चीजों पे लिखा है। डिस्कोर्स ऑन ऑरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी में उन्होंने नेचुरल वर्सेस कन्वेंशनल इनइक्वलिटी की बात कही कि नेचर में जो इनइक्वलिटी है मैन में, लेकिन जो वो डिफरेंट है, वो अनअल्टरेबल है, लेकिन जो कन्वेंशनल इक्वलिटी है, जो कास्ट क्लास या रिलीजन या सोशल बैकग्राउंड से जो इनइक्वलिटी होती है, उसको अल्टर करना चाहिए। तो उन्होंने पहली बार नेचुरल और कन्वेंशनल इक्वलिटी में डिफरेंस बताया। हॉब्स ने जो है लेवाइथन लिखा था, आपको याद रखना चाहिए, 17वीं सेंचुरी में, और उन्होंने जो है इक्वलिटी अमॉन्ग मैन इन नेचर कहा था, नेचुरल इक्वलिटी की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा था रोसो के से अलग हट करके कि नो, मैन जो है वो जो है इक्वल हैं, चाहे वो बल में इक्वल हो ना हो, लेकिन बुद्धि, बल और चतुराई मिला करके देखें तो नेचर ने सभी आदमी को बराबर बनाया है, इसलिए इक्वलिटी है। टॉकवेल जो है उन्होंने लिखा था डेमोक्रेसी इन अमेरिका, और उन्होंने कहा कि पैशन एंड चार्म ऑफ इक्वलिटी इज जनरल एंड स्ट्रॉन्ग। इसके अलावा कार्ल मार्क्स को कोई भूल नहीं सकता है, जिन्होंने कि कहा, जिन्होंने सब्सटेंटिव इक्वलिटी लाने के लिए कम्युनिज्म की थ्योरी दी और मार्क्सिज्म, जिसके बेसिस पे जो है कम्युनिस्ट कंट्री ने इक्वलिटी को एक अलग डायमेंशंस दिया। इसके अलावा ट्वेनी एंड लास्की एंड मेनी अदर्स, जिनको कि हम यहाँ पे नहीं लिख पाए हैं जगह कमी के चलते, वो थिंकर्स जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को समझाने में हम लोगों को मदद की। मैंने 4 इवेंट लिए हैं जिन्होंने कि शेप किया है आइडिया ऑफ इक्वलिटी को वर्ल्ड में। पहला जो है अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम 1776 में आया। इनफैक्ट पहला मुझे ये नहीं कहना चाहिए, पहला मैं ले रहा हूँ डेमोक्रेसी इन एथेंस। डेमोक्रेसी इन एथेंस 5th century BC में, जहाँ पे कि पहली बार जो है इक्वल सिटीजन का कॉन्सेप्ट आया, कि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में रूलर भी बनते हैं, रूलर भी होते हैं, रूल भी उनको किया जाता है जिनको इक्वल ऑफिस में आने का मौका है, और सिटीजन के बीच में कोई भेद नहीं किया जाता है। तो फर्स्ट टाइम जो फॉर्मल इक्वलिटी है वो एथेनियन डेमोक्रेसी ने हमें दिया। इनफैक्ट डेमोक्रेसी और इक्वलिटी का बहुत गहरा नाता है, और वो वहीं से, एथेंस से शुरू हुआ। सेकेंड मैंने लिया है 1776 में अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम, जो एक लैंडमार्क है इक्वलिटी के लिए, जिसमें जेफरसन ने यह कहा कि वी होल्ड दिस ट्रूथ टू बी सेल्फ इविडेंट that all men are created equal and that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and pursuit of happiness. तो pursuit of happiness यदि आप देखिए कि वो right है सबके लिए, और यदि ये देखिए कि all men are created equal, तो इन्होंने एक strong footing दिया equality के concept को। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने इसको एक मेजर जो है स्पर अप दिया, मेजर इसको बढ़ावा दिया, ये नारा देते हुए लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। यहाँ गलत है, फ्रेटर्निटी होगा, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। देन फाइनली मैंने जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स लिया है, जो यूनाइटेड नेशन 1948 में, और चीज़ों के अलावा इन्होंने कहा कि वी रीअफर्म द फेथ इन डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ द ह्यूमन पर्सन एंड इन द इक्वल राइट्स ऑफ मैन एंड वुमेन। तो दीज आर द इवेंट जिसने की शेप किया है आइडिया ऑफ इक्वलिटी को। नाउ यदि आप देखें, मैंने इगैलिटेरियनिज्म जो है बहुत ज़्यादा हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे आपको समझने में आसानी होगी, आंसर लिखने में भी, कि ये है क्या। बेसिकली इगैलिटेरियनिज्म, जैसा मैंने कहा, कि एक पॉलिटिकल थॉट है या बॉडी ऑफ थॉट है या डॉक्ट्राइन है, जो कि इक्वलिटी को मानता है कि ये कॉर्नर स्टोन है जस्टिस एज फेयरनेस। ये जस्टिस और इक्वलिटी में बिल्कुल जो है वो इंटरमिंगल करता है मोस्ट ऑफ द इगैलिटेरियनिज्म। आप कह सकते हैं स्ट्रिक्टली कुछ इगैलिटेरियनिज्म जो है एग्जैक्टली इतना दूर तक नहीं जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम। एंड वो ये भी मानते हैं कि जो इक्वलिटी है वो अपने आप में अच्छी बात है, अपने आप में एंड है, ये कोई मीन्स नहीं है किसी एंड का। नॉन इंस्ट्रूमेंटल होने का मतलब ये है कि कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है किसी चीज के होने का। जस्ट लाइक जैसे चम्मच इंस्ट्रूमेंट है आपके फीडिंग का, तो ये नॉन इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है इसका। अपने आप में इक्वलिटी से कोई फायदा हो ना हो, तब भी इक्वलिटी जो है वर्थ हैविंग है सोसाइटी में। ये इस दो व्यू पे जो डॉक्ट्राइन बेस्ड है वो इगैलिटेरियनिज्म है। ये एडवोकेट करते हैं इक्वलिटी एज द बेसिस फॉर सोशियो पॉलिटिकल अरेंजमेंट एंड पब्लिक पॉलिसीज। यहाँ पे जो है मैंने कोशिश की है, ऑफ कोर्स ये जो है डिफरेंट ऑथर से ली गई है, लेकिन आपको ये इंटरेस्ट आएगा कि इगैलिटेरियनिज्म के जो डिफरेंट स्ट्रैंड हैं या इक्वलिटी के भी जो डिफरेंट स्ट्रैंड हैं, यदि आप इस 4 चीज़ों को, 4 टाइप के लक को समझे। पहला है सोशल लक। सोशल लक है कि सोशल बैकग्राउंड आपका कैसा है, इस फैमिली में आप आते हैं, आपको इनहेरिटेंस कैसा है, आपका क्लास क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, दीज आर सोशल लक। नेचुरल लक है कि आप में इनहेरेंट टैलेंट भगवान ने कितना दिया है, ब्यूटी कितना है, आप टॉल कितने हैं, एंड ऑल दीज आर द नेचुरल लक है। देन ब्रूट बैड लक है, बुरा लक है, लाइक डिजीज हो गई इनबॉर्न या आगे चल के, एक्सीडेंट हो गया, डिसेबिलिटीज हो जाए, डिसास्टर में आप आ गए, तो दीज आर ब्रूट बैड लक। एंड देन ऑप्शनल लक, फाइनल जो है ये क्या है, ये लक जो है वो आप चुनते हैं, चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस। हम जीवन में जो डिसीजन लेते हैं, हम जो हार्ड वर्क करते हैं, आप जगते हैं पढ़ने के लिए, आप सोते नहीं, सिनेमा नहीं देखते, आप मेहनत करते हैं, आप सही निर्णय लेते हैं, तो ये जो चॉइस एंड प्रेफरेंस है वो ऑप्शनल लक है या ऑप्शन लक है। तो ये चार लक जो है आपके अनइक्वल रिजल्ट लाइफ में होते हैं उसके कारण है। अब इसमें से किस किस लक को कंपनसेट करना चाहिए एक गवर्नमेंट को या सोसाइटी को, इसी पे डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी जो है निर्भर करता है। जैसे यदि मैं आगे आपको मैं बताऊं कि लिबरल इगैलिटेरियनिज्म यदि आप लीजिए, जो लिबरल और इगैलिटेरियनिज्म का मिक्स है, तो ये जो है सोशल लक को जो है ये मिटिगेट करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि सोशल बैकग्राउंड जो है वो अफेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये नेचुरल लक को और ऑप्शनल लक को बिल्कुल जो है वो जस्ट मानते हैं। यदि उसके चलते यदि किसी के पास ज़्यादा टैलेंट है, मेरिट है, और उसने चॉइस एंड प्रेफरेंस सही अपना प्ले किया है, तो फिर उसको जो है कोई इनइक्वल रिजल्ट होने में कोई बुराई नहीं है, ऐसा ये लिबरल इगैलिटेरियन मानते हैं। सॉफ्ट इगैलिटेरियन जो है सेम है जो लिबरल इगैलिटेरियन है, लेकिन जहाँ यदि आप हार्ड इगैलिटेरियन को देखेंगे जो स्ट्रिक्ट इगैलिटेरियन है, तो वो ये सारे लक को जो है वो कंपनसेट करना चाहते हैं। यहाँ तक कि यदि किसी ने गलत चॉइस और प्रेफरेंस दिया है तो उसके लिए भी वो कुछ इंश्योरेंस या सोशल सेफ्टी नेट जो है वो रखना चाहते हैं, जो कि टैक्स से पूल होना चाहिए। लक इगैलिटेरियन जो है वो हार्ड इगैलिटेरियन का ही एक वेरिएंट है, जो कि सोशल लक, नेचुरल लक और ब्रूट बैड लक, इन तीनों लक को जो है वो कंपनसेट करना चाहते हैं। केवल एक ही लक को जो है लक इगैलिटेरियन नहीं अनजस्ट मानते हैं, वो है ऑप्शन लक, जो चॉइस एंड प्रेफरेंस से जो है इनइक्वलिटी पैदा होती है। ओके, अब हम लोग ये देख रहे हैं जो दो मेन जो मैं आपको बताना चाहता हूं इन स्लाइड्स में, वो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी वर्सेस इक्वालिटी ऑफ आउटकम। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है, ये एक आप समझिए इक्वल एक्सेस है, इक्वल चांस है टू कम्पीट फॉर एक्सेसिंग एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर और कोई भी कोई भी पब्लिक गुड्स या पब्लिक ऑफिस के लिए इंडिविजुअल का रेस, क्लास, सोशल बैकग्राउंड, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, ये सब मैटर नहीं करेगा। तो ऐसी व्यवस्था लाना जो है लीगली, ये जो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि इट प्रोवाइड्स ए लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब बराबर का मौका जो है सबको मिलता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि आपको बराबर का मौका मिलता है अनइक्वल होने के लिए, मतलब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू बिकम अनइक्वल। इट इज इक्वालिटी ऑफ एक्सेस टू रिवार्ड्स ऑफ लाइफ। इक्वल ट्रीटमेंट है, मतलब गवर्नमेंट या समाज के नज़र में आप इक्वल हैं, हर इंडिविजुअल, कोई और डिस्क्रिमिनेशन उनको नहीं किया जा रहा है, इक्वल चांस है। एक तरह से आप देखिए तो इट रिमूव कंस्ट्रेंट ऑफ सोशल बैड लक, जो मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया, ये सोशल बैकग्राउंड जो है उसके जो बैड लक हैं उसको ये रिमूव करने की कोशिश करता है। ये क्लासिकल फेयरनेस के आइडियोलॉजी में बेस्ड है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक वेयर एज अनलाइक शुड बी ट्रीटेड अनलाइक। इट एक्सेप्ट इनइक्वालिटी ऑफ आउटकम, आप इस पर गौर कीजिए कि ये जरूर कहता है कि आपको इक्वल एक्सेस है ऑफिसेज का, एडमिशन का, स्कूल्स में, कॉलेज में, हेल्थ केयर में, या इक्वल चांस है टू कम्पीट, लेकिन इक्वल चांस टू विन नहीं है। आप मतलब इक्वल आउटकम नहीं है, इक्वल चांस टू विन है, बट यू विल विन इट इज नॉट गारंटीड। उसमें से जो मेहनत करेंगे, जो चॉइसेस एंड प्रेफरेंस जिनके सही होंगे, वो उसमें विन करेंगे। इनफैक्ट उसमें लक का भी हाथ होगा। तो इसलिए ये जो है इनइक्वालिटी ऑफ आउटकम को एक्सेप्ट करता है। इट इज कंसिस्टेंट विद क्लासिकल लिबरलिज्म एंड कंजर्वेटिज्म। यदि आइडियोलॉजी देखें तो ये उसके करीब है, लिबरल या सॉफ्ट इगैलिटेरियनिज्म के आइडियोलॉजी के करीब है। ये जो है, इसको दो तरीके से आप इसके डायमेंशंस को देख सकते हैं। इसको भी एक फॉर्मल इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है और एक सब्सटैंटिव। यदि फॉर्मल देखें तो इक्वालिटी बिफोर लॉ या इक्वल protection of the law, and equality in political life, like one vote, one person, political participation, ये जो है फॉर्मल इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है। जबकि यदि आप ये देखें, जहां हमने देखा कि रेस में सेम इक्विपमेंट होना है, सेम स्पोर्ट्स गियर होनी है, सेम टाइप ऑफ ट्रेनिंग होनी है, यदि इस तरह से हम कंपनसेट करने लगे तो या इक्वल करने लगे तो वो सब्सटैंटिव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है। यदि आप कहें कि किसी एडमिशन के लिए सभी बच्चे जो हैं वो फ्री हैं कम्पीट करने के लिए ऑन इक्वल फुटिंग, लेकिन यदि आप ये कहें नो, सभी बच्चे जो हैं वो बराबर नहीं हैं, क्योंकि जो गरीब घर से आते हैं उनको कौन कोचिंग दे रहा है, उनके पास पैसे नहीं है, तो उनको यदि गवर्नमेंट फ्री कोचिंग देती है और उनको सारे बुक्स एंड अदर जो है इक्विपमेंट मुहैया कराती है, पढ़ने के साधन, तो ये सब्सटेंटिव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो आप कह सकते हैं कि तभी जो है असली जो है इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी ने है, नहीं तो ये तो फॉर्मल इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी है। गरीब बच्चे और अमीर बच्चों में क्या कंपटीशन, यदि ये भी फिर भी आप कहें कि दोनों कंपीट करने के लिए स्वतंत्र हैं। इट प्रमोट इफिशियंसी, एक्सेलेंस एंड प्रोडक्शन बट अलाउज फॉर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ये डेफिनेटली जो है इफिशियंसी को प्रमोट करता है, एक्सेलेंस और प्रोडक्शन ये बढ़ाता है क्योंकि कंपटीशन को प्रमोट करता है, लेकिन ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को जो है नहीं रोक पाता है। ये इसकी एक मेजर। यदि प्रॉस एंड कॉन्स देखें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को, तो बहुत ऑब्वियस है कि इसके फेवर में कही जा सकती है कि इट्स वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि लीगली इसको आप बाई स्टैट्यूट कर सकते हैं। ये इक्वल कंसर्न फॉर ईच सिटीजन है ऑफकोर्स, एंड प्रोटेक्ट इंडिविजुअल डिग्निटी और चॉइस, क्योंकि इसमें इंटरफेरेंस स्टेट का बहुत कम है, और इट प्रमोट इफिशियंसी, कम्पिटिटिवनेस, एक्सेलेंस, इसलिए प्रोडक्शन बढ़ती है, जो टोटल पाई है वो कंट्री का जो जीडीपी है वो भी बढ़ता है इससे। इसकी क्रिटिसिज्म की जाती है कि इट प्रमोट्स स्टेटस को, क्योंकि ये जो है इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को टच नहीं करता है, छोड़ देता है। इट इज़ मीनिंगलेस फॉर पीपल लैकिंग बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए इक्वल एजुकेशन का क्या मीनिंग है, जिनके पास पैसे नहीं है क्या वो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं? सो देयर आर मेनी इम्पेडिमेंट्स जिनके पास सोशल बैकग्राउंड के चलते कि इसका कोई मीनिंग नहीं रहता है। ये मेयर फॉर्मल इक्वलिटी है, जैसा हमने देखा, कुछ सब्सटेंटिव है लेकिन जनरली ये फेयर फॉर्मल इक्वलिटी है। इट प्रमोट्स कैपिटलिज्म और मार्केट इकोनॉमी, क्योंकि ये लिबरलिज्म के करीब है और ये जो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को नहीं टच करता है, इसलिए ये बुराई की जाती है। और इट अंडरमाइन सोशल सॉलिडरिटी, फ्रेटर्निटी ऑब्वियसली। यदि अब हम देखें कि इक्वालिटी ऑफ आउटकम क्या है, तो ये एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है। जैसा मैंने पहले भी आपको बोला कि जैसे रेस का यदि आप मेटाफोर लीजिए, तो सभी यदि एक टाइम में रेस शुरू करते हैं तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, और सभी को यदि कहा जाए कि एक ही टाइम में खत्म करें तो ये इक्वालिटी ऑफ आउटकम है। यदि आप किसी एग्जाम में जो है वो सबको फेयर जो है क्वेश्चन मिलती है, किसी को कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं है, सभी को सेम सिलेबस है, सेम टाइम है, तो वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है। लेकिन यदि आप बोले कि सबको मार्क्स बराबर आएंगे तो ये इक्वालिटी ऑफ आउटकम है। ऑफ कोर्स जो मैंने अभी कहा कि मार्क्स बराबर आना या सभी एक टाइम में रेस खत्म करना, ये सही नहीं है। सही में ये है कि जो रिवार्ड्स हैं वो ये कोशिश करता है कि सेम हो। जैसे कि यदि आप रेस जीतने में जो आपको बड़ाई मिलती है, तो भले आप 10th रेस में आए, आपको यदि उतनी ही बड़ाई मिलती है तो रिवार्ड आपको सेम मिला। इसी तरह मार्क्स मेटाफोर यदि ले तो आपको कम या ज्यादा आए, लेकिन टीचर यदि आपको शाबाशी दे कि आपने पूरी मेहनत ईमानदारी से लिखा और आपको फील हो सेल्फ डिग्निटी, तो आपको रिवार्ड मिल गया। इक्वालिटी ऑफ आउटकम का एसेंस वो है जो मैंने अभी आपको बोला, लेकिन लोग इसकी बुराई उस फॉर्म में करते हैं जो मैंने पहले आपको कहा। तो इसका मायने यही है कि इक्वालिटी ऑफ रिजल्ट्स, कंडीशंस, रिवार्ड्स। तो आप कह सकते हैं कि यदि इनकम को इक्वलाइज करने की कोशिश की जाए, वेलफेयर को या रिसोर्सेज को, तो इक्वालिटी ऑफ आउटकम है। तो ऑफ कोर्स ये जो है सब्सटैंटिव और पॉजिटिव इक्वालिटी है, ये निगेटिव इक्वालिटी नहीं है लाइक इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इट प्रोवाइड्स मीनिंग एंड सब्सटेंस टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, उसको फ्लैश आउट करता है। जैसा एकदम बहुत ऑब्वियस है कि यदि आपने ऐसा किया, सबके बराबर इनकम किए, तो फिर वो इक्वल जो है कम्पीट भी कर पाएगा। अटेम्प्ट टू कंपनसेट फॉर बोथ सोशल एंड नेचुरल लक, मतलब दोनों टाइप के लक को जो है ना ये जो कंपनसेट करने की कोशिश करता है। इनफैक्ट ये सारे लक को कंपनसेट करने की कोशिश करता है, इसलिए इसको हार्ड इगैलिटेरियनिज्म कह सकते हैं। ये बहुत ही ट्रबलसम आइडिया है, क्योंकि ये स्टेट को बहुत ज्यादा लिबर्टी देता है इंडिविजुअल फ्रीडम में इंटरफेयर करने का, और ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है इम्प्लीमेंट करना। और सोशलिस्ट कंट्री और कम्युनिस्ट कंट्री में ये देखा गया, इससे इंडिविजुअल फ्रीडम और ऑटोनॉमी का बहुत ही नुकसान हुआ। तो इट प्रमोट सोशल सॉलिडरिटी डेफिनेटली, फ्रेटर्निटी, सोशल पीस और हार्मनी, लेकिन इसके नुकसान भी हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रोल, जैसा मैंने कहा, स्टेट को देता है और इंटरफेयर करता है लिबर्टी इकोनॉमी से, और इट इज सपोर्टेड बाय सोशलिस्ट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। यदि इसके प्रोस एंड कॉन्स देखें, इक्वालिटी ऑफ आउटकम के बहुत ऑब्वियस है कि इसके फेवर में कही जा सकती है कि यह सब्सटैंटिव इक्वालिटी है, इट ब्रॉडन करता है हॉरिजन ऑफ इक्वालिटी को, केवल फॉर्मल तक नहीं छोड़ देता है, बहुत दूर तक, इनफैक्ट अंत तक जो है इक्वालिटी ले जाता है। इट मेक इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मीनिंगफुल, डेफिनेटली take idea of equality closer to fairness and justice, yes of course, and it promotes social solidarity, fraternity। हम लोगों ने देखा criticism इसकी की जाती है कि very difficult to implement है, make kill incentive to excel, यदि सबके reward बराबर होंगे तो कोई excel क्यों करेगा, efficiency और excellence खत्म हो जाएगी तो जो पाई है आपका वही छोटा हो जाएगा, चाहे वो आप बराबर बांट ले तब भी सबको कम मिलेगा। It undermines individual liberty, dignity, choice and autonomy and its oppressive authoritarian state को ये बढ़ावा दे। यदि इन दोनों में तुलना करें, ऑफ कोर्स ये पूरा रिपीटेशन है, लेकिन जैसा मैं हमेशा करता हूं कि आपको एक शीट देते हैं से आप नोट बना पाएं। अपॉर्चुनिटी को यदि आप कहते हैं इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी लेवल प्लेइंग फील्ड, तो आउटकम को आप कह सकते हैं कि इट इज लेवलिंग डाउन, मतलब ये लेवल प्लेइंग फील्ड ही देता है। एक मकान यदि बड़ा है तो उसको तोड़ के दूसरा छोटे मकान के बराबर करने की कोशिश करता है, तो ये इक्वालिटी इन कंपटीशन है, तो ये इक्वालिटी इन रिजल्ट ऑफ कंपटीशन है। This is opportunity जो है remove obstruction of that social luck, then outcome remove the compensate, in fact it compensate for both social and natural luck, it is non distributive, इसमें जो है ट्रांसफर्स नहीं है, अमीर से गरीब के तरफ जो है आपको रिसोर्स ट्रांसफर नहीं है, लेकिन इसमें डेफिनेटली जो है आउटकम में जो है स्टेट को जो है टैक्स लगा के, प्रोग्रेसिव टैक्स लगा करके या सरचार्ज लगा करके ट्रांसफर करना पड़ता है मनी फ्रॉम रिच टू पुअर, डिस्ट्रीब्यूशन है, सब्सिडी है। It is consistent with liberalism जो opportunity है, and outcome is closer to socialism, communism, political ideology में। Equality opportunity more acceptable face of equality है, it is soft egalitarianism, whereas outcome is troublesome idea for many hard egalitarianism। It limits state authority, हम जानते हैं outcome में state को काफी liberty दी जाती है। Example इसका मैंने आपको पहले बताया equality before law और political equality है, जबकि आउटकम का जो है सब्सटैंटिव इक्वालिटी लाइक इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, वेलफेयर, इनकम, जो इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है वो आउटकम की है। मच इजियर टू इम्प्लीमेंट है, आउटकम इज वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट एंड वेरी कंट्रोवर्शियल। आइए इस स्लाइड में ये समझने की कोशिश करते हैं कि रोनाल्ड डॉर्किन ने जो इक्वालिटी ऑफ रिसोर्स दिया, जो उनका एक सेमिनल थीसिस है, इसकी जो और बहुत इनोवेटिव है, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट विल हेल्प यू इन राइटिंग एग्जाम। उन्होंने डॉर्किन का जो बेसिक ऑलवेज इसेंस रहा है, थीम रहा है इक्वालिटी पे, वो ये रहा है कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट मस्ट हैव इक्वल कंसर्न फॉर ईच ऑफ इट्स सिटीजन। उनका इक्वल कंसर्न से मतलब ये था कि जो गवर्नमेंट है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट, वो हर सिटीजन को इक्वल ट्रीटमेंट दे, डिग्निटी दे और इक्वलिटी हर तरीके से लाने की कोशिश करे। और इक्वल कंसर्न डिमांड्स socio-economic arrangements which results from an imaginary market procedure which includes insurance for misfortune। इस लाइन के मायने क्या है? उनका ये कहना था कि कोई भी जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है उसको एक ऐसा सोशियो इकोनॉमिक अरेंजमेंट लाना चाहिए जो वैसा ही रिजल्ट पैदा करे जैसा कि एक काल्पनिक जो है मार्केट प्रोसीजर्स को आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया, मैं आपको बताता हूं। एक काल्पनिक मार्केट प्रोसीजर जो करता, जिसमें कि एक फेयर इंश्योरेंस भी होता मिसफॉर्चून को कंपनसेट करने के लिए, उस इमेजिनरी मार्केट प्रोसीजर के जो रिजल्ट होते और जो एक्चुअल में जो रियल वर्ल्ड में जो सोशियो इकोनॉमिक अरेंजमेंट है, दोनों एक जैसा होना चाहिए। तो आइए देखें कि उनका इमेजिनरी मार्केट प्रोसीजर क्या था। उनका कहना था कि सपोज ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है जिसमें इनिशियल पोजीशन में सपोज उन्होंने कहा कि एक आइलैंड में शिप रेक हो गई है और सारे लोग जो है उनके पास में कोई पैसा नहीं है और वो डिसाइड करते हैं कि जो वहाँ शेल्स हैं वो सबको जो है बराबर, जिसको कौड़ी बोलते हैं, आप बराबर बांट दीजिए और उससे जो है वहाँ पे जितने रिसोर्सेज हैं वो एक फेयर ऑक्शन से, फेयर बिडिंग से सभी बराबर बराबर रिसोर्सेज उसके जो है परचेज कर ले ऑक्शन। मान लीजिए किसी ने वाटर किया फिशिंग के लिए, किसी ने फॉरेस्ट किया, किसी ने सॉइल किया खेती के लिए, किसी ने और आइलैंड के कोई जो है रिसोर्सेज को ले लिया और इस तरह से लिया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी सोच रहे हैं कि उनके पास बराबर रिसोर्स है और इनिशियल पोजीशन यहाँ पे खत्म होगी। फिर इंटरमीडिएट पोजीशन में, इंटरमीडिएट फेज में क्या होता है, इंडिविजुअल अपने चॉइस, बुद्धि, प्रेफरेंस से प्रोड्यूस करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, ट्रांजैक्ट करते हैं और अपनी संपत्ति को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एंड रिजल्ट में क्या होगा, आप समझ सकते हैं कि इट विल बी इनइक्वलिटी ऑफ आउटकम, क्योंकि इंडिविजुअल चॉइसेस, प्रेफरेंस, डिसीजंस और मेहनत जो है वो रिसोर्सेज, सबके पास इनकम, रिसोर्सेज, वेल्थ अलग अलग होंगे। लेकिन डॉर्किन कहते हैं कि इसके साथ में एक फेयर इंश्योरेंस मार्केट भी इसमें होना चाहिए, क्योंकि सबके लक जो है अलग अलग हैं, सोशल लक, नेचुरल लक, ब्रूट बैट लक, तो उनको शेयर करने के लिए या कंपनसेट करने के लिए एक इंश्योरेंस मार्केट होना चाहिए और सभी को इस दौरान में उसमें एक प्रीमियम भरना चाहिए। अब उनको चूंकि पता नहीं है कि उनके साथ कितना बैड लक होगा, तो सभी एक एवरेज प्रीमियम भरेंगे, बीच बीच वाले प्रीमियम, ये सोचते हुए कि वो वर्स्ट ऑफ भी हो सकते हैं। और फिर जो है उसमें, उससे ये होगा कि जो फॉल बैक कर गए हैं, जो इस दौर में पीछे छूट गए हैं, उनको उस पूल से जो है कंपनसेट किया जाएगा, जिससे कि सभी कोई थोड़ा बेटर ऑफ हो जाए जो वर्स ऑफ है, और इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज लाने की कोशिश की जाए। तो ये जो इनोवेटिव थेसिस है, ये रोनाल्ड डॉकिन का जो है इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, और इट कैन बी कंपेयर्ड विथ जॉन रॉल्स डेमोक्रेटिक इक्वलिटी, है इनइक्वलिटी गलत लिखा है, जो मैं आपको आगे कभी और बताऊंगा जस्टिस में, तो आप उससे समझ पाएंगे, पाए होंगे इसमें। टू समराइज, इक्वलिटी इज मोस्ट पोरस, नॉन इंट्यूटिव, नॉन नेचुरल एंड मोस्ट कंट्रोवर्शियल ऑफ द फोर नॉर्मेटिव पॉलिटिकल वैल्यूज। मैंने आपको कहा है कि ऐसा क्यों है, ये बहुत ऑब्वियस है। इगैलिटेरियनिज्म, जैसा मैंने बताया कि एक पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन है विच टेक्स इक्वलिटी एज सैक्रोसैंक्ट एंड इन इटसेल्फ। इसके मल्टीपल डायमेंशंस है इक्वलिटी के, फॉर्मल इक्वलिटी, सब्सटैंटिव इक्वलिटी, लीगल, पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी वर्सेज इक्वलिटी ऑफ आउटकम, जिसपे हम लोगों ने काफी चर्चा की। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नट सेल इज इक्वल चांस और एक्सेस टू कम्पीट है, इट इज नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव है, मतलब कोई ट्रांसफर इन्वॉल्व नहीं है, मोर एक्सेप्टेबल है और मोर इजी टू इम्प्लीमेंट है। इक्वलिटी ऑफ आउटकम इज अटेम्प्ट टू इक्वलाइज रिजल्ट्स एंड रिवॉर्ड्स, ये सब्सटैंटिव है, कंट्रोवर्शियल है, वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट है। इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज जो डॉर्किन ने दिया है, उनका ये कहना है कि जो सोशियो इकोनॉमिक अरेंजमेंट शुड मिमिक results of an imaginary market procedure which includes fair market of insurance to share luck। I hope कि आप समझ पाएंगे इक्वलिटी और उसके डिफरेंट डायमेंशंस को, और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और इक्वलिटी ऑफ आउटकम में क्या डिफरेंस है, और जो डॉर्किन का इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज जो इनोवेटिव थीसिस है उसके बारे में कुछ जान पाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक, बाय।